हाँ भैया, आज की वीडियो में जानकारी दूंगा मैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम धनियों ग्रो कर लेते हैं और हमारे यहाँ धनियों मतलब बढ़िया करके नहीं उगता है। तो मैं एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि धनिया आपके यहाँ बहुत आसानी से उग जाता है। और आप सामने देख रहे होंगे कि मैंने ये धनिया उगाया है, ये जो है गत्ते का डिब्बा है, जो सामान वामान लाते रहते हैं उसी डिब्बे में मैंने ये धनिया उगा रखा है। तो मैं आप लोगों को ये काट के दिखाऊंगा और बोकर भी दिखाऊंगा। आज की वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा जिससे आपका धनिया फ्री में ही अपने घर पर आराम से उगा सकते हो। भैया भैया वीडियो मेरा जो है पूरा देखना धनिया की। तो देखो मैं आपको पहले जो धनिया काट के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में काफी बड़ा धनिया हो चुका है। तो देखो अब ये मैं जो है ग्रो करूंगा अपने घर पर, घर के लिए काट रहा हूँ क्योंकि हमारा जो है पूरी फैमिली जो है बहुत काफी बड़ी है। तो हम लोगों को तो काफी धनिया चिंता है, तो हम लोग जो अपने घर पे ही आराम से तैयार कर लेते हैं और हमें कहीं बाजार से लाने की कोई भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। और धनियों का काम होता है कि एक तो होती है हमारे पास में धनी और एक होता है हमारे पास में भैया धनिया। तो ये तो मैंने जो धनिया जो बोया है वो बिल्कुल प्योर वाला धनिया है। और ये मेरे पास में जो काट रहा हूँ मैं, ये मेरे पास में जो धनिया है और ये बराबर में आप सामने देख रहे हो ये धनिया। इस धनी में ज्यादातर इतनी होती है कि खुशबू दोनों में है, एक में ज्यादा होती है धनी में खुशबू और धनियों में कम होती है क्योंकि इसकी पत्तियां भी आप देख रहे होंगे चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं। मगर ये जो है दो बार कट जाती है और ये भी मतलब दो बार कट जाती है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, दो बार आराम से काट लेते हैं हम लोग। तो मैं इसको काटने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस, तो मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगा का किस तरीके से आप धनिया अपने घर पे ही फ्री में ही आप उगा सकते हो भैया। तो भैया जैसा होता है कि जैसे अक्टूबर से लेकर और अप्रैल तक आप धनिया आराम से ही उगा सकते हो और बहुत आसान तरीका है इसमें, जो फ्री का ही मामला है ऐसा है जो, तो आप किसी में कोई खर्च भी नहीं होगा आपका। जैसा अभी घर पे किसी तरह के जो इस तरह के जो डिब्बे फिब्बे आते रहते हैं गार्डन के, तो इस तरह से आप आराम से अपने घर पर हो और आराम से मिट्टी के द्वारा भरने के बाद में आराम से धनिया उगा दूं। तो मैंने इस तरीका से ये सारा धनिया काट लिया है, अब ये मेरा दोबारा तैयार हो जाएगा और इसमें वजन भी बहुत कम होता है क्योंकि इसे कहीं पर उठा के भी रख लो और बहुत हल्का होता है ये। कहीं पर भी जैसा नहीं है कि इसमें प्योर ज्यादा मिट्टी भर रही हो, एक जना उठाकर कहीं पर भी ऐसे तरीका से कहीं पर भी रख लेते हैं हम लोग। तो जो सामने भैया जो मेरी आप मिट्टी देख रहे हो, तो जो मिट्टी मेरी है आधी खाद और आधी रेते वाली मिट्टी है जी आप सामने जो देख रहे हैं, क्योंकि धनिया उगाने के लिए जो होती है वो हम रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी चीज में उगा लो। और जो तो मैंने ये दिखा रहा हूँ ये तो फ्री का ही मामला है, ये तो सामान वगैरह आते ही रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा भी कोई कार्टन लिया और तो इसके अंदर से हम हल्की सी पन्नी बिछा देते हैं कि इसलिए ये कागज हमारा गलना नहीं चाहिए और ये कागज हमारा गलता भी नहीं है जैसा हम पानी फानी डालते हैं। और इतना बढ़िया धनिया जमता है आप लोगों को मैंने दिखाया है। तो ये मेरी मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और मैंने तैयार कर ली है जे आधी रेते वाली मिट्टी और आधी मैंने देसी गाय की गोबर की खाद डाली है, बिल्कुल प्योर गली वाली और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो भैया इस तरह से जो है मैंने इस टप में भर दूंगा इस मिट्टी को, तो जो मैंने इस तरह से ये पूरा टप भर दिया है मिट्टी से, तो हम लोग जो है इस तरह से आराम से भर देते हैं। और धनिया उगाने का बिल्कुल आसान तरीका है ये, कहीं पे भी आराम से उगा लो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों के सामने बोकर दिखा रहा हूँ धनिया के लिए कि किस तरह से हम जो है धनिया बोते हैं। तो मैंने जो है मिट्टी जो है इसके अंदर आराम से बिछा दी और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे का हमारा धनिया बढ़िया नहीं हो। तो ये आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जो है मैंने ये मिट्टी बिल्कुल सही कर दी इसमें गमले में। अब मैं आपको धनियों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप धनियों को बोगे। तो जो है मेरे पास में ये सामने आप धनिया देख ही रहे होंगे, ये धनिया है। और अब हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसमें से दो टुकड़े कर देंगे क्योंकि धनिया के लिए जो होता है वो हम लोग जो है चप्पल से जरूर रगड़ते हैं, क्योंकि हम चप्पल से जो रगड़ लेते नहीं है तो वो धनिया हमारा बहुत साफ सुथरा और बढ़िया होकर जमकर आता है। तो हम इस तरीका से इसे एक धनिया में से दो दो बीज में कर देंगे, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती हम लोगों को। तो हम तो आप लोगों को बोकर दिखा ही रहे हैं। वैसे धनिया तो हम जो है बहुत 10-10 किलो धनिया बोते हैं
खेती बाड़ी में, तो हमने ये कर लिया है। अब ये आसानी के साथ में अब इसमें हमने जो फिर दोबारा प्लेट में ले लिया, तो हमारा जो होगा बोने का तरीका वो इस तरीका से होगा कि ऐसा आप कर लीजिए और लेने के बाद में इस तरह से आप धनिया को आराम से इस तरीका से डाल दो टप में। तो हमने ये आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसा हमने अभी ये चप्पल से रगड़ा है तो इसमें दो फायदे हो जाते हैं, क्योंकि डालने को तो अगर तुम पूरा समूचा डाल दोगे तो वो देर से जमेगा, मर वो ज्यादा बीज डालना पड़ता है दो बार। और इसके दो फायदे होते हैं कि ऐसा हमने रगड़ लिया तो इसमें एक में से दो बन गए, और दो बनने के बाद में बहुत कम बीज पड़ता है और धनिया भी इतना बढ़िया जमका आता है, इसकी जड़ भी इतनी बढ़िया फंक्शन से पकड़ती है कि इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो इससे दो फायदे हैं, अगर मोटा धनिया डालोगे तो बहुत बेगरा जमेगा और देर में जमेगा, और आप इस तरह से डालोगे तो आपका धनिया बढ़िया जमेगा और बढ़िया भी रहेगा। तो इस तरीका से हमने जो है सारा धनिया इस तरीका से हम इसके अंदर डाल देंगे, इस क्रेट के अंदर जो हमने क्रेट बनाई है फ्री में। तो हमने जो है देखो अच्छी तरह से ये सब में बीज बो दिया। अब बोने के बाद में आप लोगों को ये देखना है कि जैसे अभी मैंने इसमें ये सारा धनिया बो दिया, अब इसमें करीब में इतनी सी हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। तो हमने ये बराबर में थोड़ी सी खाद वाली मिट्टी ले ली है, इसमें हमने खाद मिलो रखा था। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से ये धनिया डालने के बाद में इस तरह से ये मिट्टी डालते हैं करीब में, ये बीज हमारा जम जा मतलब दब जाना चाहिए मिट्टी के इस तरीका से, ऐसे इस तरीका से हम जो डालते हैं तो हमारा ये सारा बीज जो जम जा दब जाएगा इसके अंदर में। तब इसके अंदर पानी डालेंगे, वो भी बहुत हिसाब से डालेंगे, हल्का हल्का पानी डालते हैं हम लोग। तो ये बहुत आसान तरीका है, आराम से इस तरीका से आप लोग चाहोगे तो घर बैठे ही फ्री में ही धनिया उग जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है भैया। तो देखो ये तो मैंने आपको धनिया बो के दिखा दिया, अब इसमें आपको मैं पानी डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखो इस तरह से अगर आपके पास में अगर फुहारा ना हो तो आप किसी बोतल में पानी ले लीजिए और बोतल में पानी लेकर उसके डाट में छेद कर लीजिए, और छेद के द्वारा आप बोतल से पानी डाल सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम मग्घे से पानी डालते हैं धनिया में तो धनिया पूरा एकदम से ऊपर आ जाएगा और मिट्टी हट जाएगी, तो जो है इससे धार बना के पानी नहीं जाए, फुहार से ही डालना पड़ता है इस तरीका से, जैसे हम आपको फुहार बना के डाल के दिखा रहे हैं। बस इस तरीका से आप बिल्कुल आसान तरीका होगा जी वाला, अगर आपके पास में अगर फुहारा नहीं हो तो आप बोतल से भी पानी डाल सकते हो। बस एक बार इसके अंदर नमी बैठ जानी चाहिए, फिर आपको ऐसा मान के चलियो धनिया इतना बढ़िया हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने जो है इस तरह से हम जो है धनिया को बोते हैं भैया। अब तुम्हें देखना है कि जो धनिया हमने बो रखा है ये क्रेट उठाने के बाद में ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पर डायरेक्ट तेज धूप आ रही हो, जितनी बढ़िया धूप आ रही होगी उतना ही बढ़िया आपका धनिया जमेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और जब जो तुम्हारा धनिया आराम से जम जाए तो देखो मिट्टी है इसका नाम, इसमें कोई ऐसा होता है कि जैसे कोई घास फूस का तुनका जम भी आता है, ऐसा नहीं है कि जब चीज भैया तो वो नहीं जमे। तो आपको अगर छोटा छोटा धनिया हो जाए और कोई घास का तुनका दिख जाए तो हल्का सा आपको उखेड़ना है इसमें से, बस वो उखेड़ दीजिए जिसका हमारे धनिया में कोई भी घास फूस नहीं दिखाई देनी चाहिए। तब देखना आपका धनिया कितना बढ़िया रहेगा और कितना सुरक्षित रहेगा। और आप इस तरह की जानकारी मैं आप बीच बीच में आपको देता रहता हूँ, ये फ्री की जानकारी है, कोई मुझे वो तो नहीं मिलता है ज़्यादा। और आप लोगों को अगर मेरी अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना।